पहले देखिए मधुआ ऊपर के प्रभाग से पहला पार्ट मधुआ आप लोग देख रहे हैं। इस पार्ट में अब तक तो ये है कि पिछले कक्षा में हमने देखा कि शराब की बोतल बालक मिटाने और बालक की भूख मिटाने के लिए वह क्या करते हैं, अपने पास एक रुपया था तो उस रुपये से वह कुछ खरीदना चाहता था, जैसे कि आलू रोटी मांस कुछ खरीदना चाहता था। लेकिन वह जैसे ही वो अपने आप को एक मिठाई दुकान के सामने खड़ा हुआ पाया जाता है तो वहां पे जाने के बाद वह मिठाई और पूरी खरीद लेता है बालक के लिए, पूरे 1 रुपए का सब चीजें वह खरीद लेता है, जैसे सामने नमकीन खरीदता है। तो इस तरह से खरीदते हुए दौड़ के वह बालक की भूख मिटाने के लिए अपने कोठरी में चला जाता है। वो उस गंदी कोठरी में उस बालक के लिए खाने के लिए खाने को मिलता है कि पूरी और मिठाई उस बालक को खाने के लिए मिलता है और वह बालक खाता है। और उस कोठरी में सीधी जगह पर वह बालक ओढ़ ओढ़े सो जाता है और फटी कंबल को ओढ़कर वह शराबी में सो जाता है। तो वह शराबी सोचता है कि कल इस बच्चे से या तो इस मधुआ नाम लड़के से इस तरह से छुटकारा पाया जाए, ऐसे सोचते सोचते बड़बड़ाते हुए वहीं में सो जाता है। सुबह हो जाती है तो वह किसी भी तरह इस लड़के को इस घर से निकालना चाहिए, तो उस लड़के से ना उसका नाम पूछता है तो वह बालक मुस्कुराते हुए बोलता है कि मेरा नाम मधुआ है। तो सुंदर से बालक को देखकर वह फिर से इस तरह से इस बालक को घर से भगाया जाए, कैसे कहूं कि भाड़ में चला जाए, इस तरह से कैसे कहूं कि देव सोचता रहता है, कहता है कि इस कोठरी में रहा कर मैं यहाँ से चला जाता हूँ, ऐसे कह के गोमती के यहाँ चला कर आगे घूमने के लिए कुछ सोचता नहीं है। वैसे ही गोमती के यहाँ जैसे धारा को देखते हुए वही में बैठ जाता है तो वही के एक आदमी आता है तो भले आदमी रहे कहाँ कह के उसको पुकारता है, तो उसको देखता है शराबी, उसको देखता है उस अपरिचित व्यक्ति को, तो देखने के बाद उसे महसूस होता है कि मैंने कभी इसे देखा है, इस व्यक्ति को कभी ना कहीं कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा है। तो वह पूछता है कि मैंने तुम्हें 2 रुपए के पड़े हुए अपना घर दिया है, तू 2 साल से मुझे नहीं मिला है। इस तरह से कह बोलने के बाद अब उसे याद आती है कि ये किराए पे दिए हुए व्यक्ति है। तो वह व्यक्ति क्या करता है उस शराबी से कि तुम अपनी गठरी बांटो और वहां से दफा हो जाओ, मुझे अभी कुछ सामान उस घर में रखना है कि नहीं, इस तरह से कहता है। तो तू वहां पे जो सांप की कल है उसे लेके वहां से चला जा, उनके बता रहा है। तो यहां तक हमने देखा है, बाकी का अब हम देखेंगे।
शराब ने मीका का देखते हुए उसने कहा, ले जाओ किसी घर का मेरा इससे पिंड छूटे। गोमती नहा कर क्या करता है कि राम जी पास किए अपने घर पहुंच जाता है और वह कहता है कि शाम की कल जो है उसे यहाँ से पहले लेके चले जाओ, किसी की तरह से यहाँ उसे उसका पिंड छूटे, सांस छूटे, पीड़ा छूटे, इस तरह से वह कह देता है। तो ले जाओ किसी तरह का मेरा इससे पिंड छूटे, इस तरह से वह देता है। बहुत दिनों पर आज उसको कल रोना पड़ा। किसी तरह अपनी टोकरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक चुपचाप बैठा है। रोते हुए उसने पूछा, क्यों रे तुमने कुछ खा लिया नहीं? बहुत दिनों पर आज उसको कल रोना पड़ा है। बहुत ही दिनों के बाद, यानी कि वह इतने समय बीत चुका है कि उस कल को भूल ही चुका था। अब उसकी उसे रोना पड़ रहा है। किसी तरह अपनी नौकरी में वहां पहुंच जाता है और वहां चुपचाप बैठे हुए उसे बालक मुखा को देखता है। देखने के बाद शराब कहता है कि तुमने कुछ खाया है कि नहीं, क्या ऐसे ही चुपचाप बैठ गए हो? इस तरह से उस बालक मुखा से शराब की कह देता है। तो बालक मुखा कहता है, तुम्हारे लिए निकट दिया है। कहकर उसने अपने स्वभाव प्रवासी से उस अरु की कुटरी को तर कर दिया कि वह बालक मधुवा कहता है कि मैंने भरपेट खा चुका हूँ, मैं भरपेट खा चुका हूँ और तुम्हारे लिए भी कुछ खाने के लिए रख रहा हूँ, यानी कि मैं खुद भी खाया हूँ और तुमको भी खाने के लिए रख दिया है। इस तरह से कहने के बाद उस कोठरी में इस तरह का वातावरण हो जाता है कि पूरी तरह से रूखी हुई जो कोठरी है वह कोठरी फिर से तर देती है, यानी कि फिर से हरा भरा हो जाती है। फिर से वह एक तरह के आनंद उस शराबी को हो जाती है उस बालक की बातों को सुनने के बाद। शराबी एक क्षण पर चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यह बात का संकेत नहीं और संकेत नहीं हो और क्या है, चलो फिर सांस लेने का कारण चलता करो। तो दोनों का पेट भरेगा, वही उठाना चाहता फिर से पड़ा नहीं हो दो बातें किसका कहा नहीं उधर उधर भी कहकर अपना काम जमा नहीं लेता था। पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का, जल्दी कर बोला टुकड़े मंगवा तो कहाँ जाएगा। शराब क्या करता है, एक क्षण के लिए उसकी बालक की बात को सुनते ही एक क्षण के लिए वह चुप हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से स्तब्ध हो जाता है। फिर चुपचाप पानी पीने लगता है, सोचने लगता है कि ये जो बालक मधुआ मुझे मिला है यह मेरा भाग्य का संकेत है, क्योंकि शराबी के बारे में सोचने वाला अब तक कोई नहीं है, वह अकेला रहता है। उसने क्या खाया क्या नहीं खाया, रहता कैसा है, खाता है पीता है सोता है, इस तरह से सोचने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। खाओ पीओ अच्छे से रहो, इस तरह से कहने वाला भी कोई नहीं है। जब वह मधुआ बालक को कह देता है तो उसके बालक को सुनते ही वह बहुत ही आनंद महसूस करता है और वह सोचने लगता है कि यह जो भाग्य है यह भाग्य मुझे कैसे मिल गया, ऐसा भाग्य मुझे कैसे मिल गया। तो जब वो फिर से विद्यालय का सांस लेने की काम को फिर से चालू करूंगा और दोनों का सामने के काम अगर वह शुरू करेगा दोनों का पेट भरेगा, मधुआ का भी भरेगा और शराब का भी पेट भरेगा। तो इस तरह से वह सोचता है कि फिर से पुराना जो जगह चलाने की काम था और फिर से मेरा काम मेरा ही सिर पड़ा है, मेरा पीछा नहीं छोड़ा है।
देता और हमेशा पीता रहता था। तो अगर ऐसा नहीं होगा, दो लोगों का पेट भरना है तो उसे क्या करना है, सात के काम को फिर से चालू करना है। तो वह भगवान से कहता है अब कहाँ जाएगा। वह पानी पीते हुए उस बालक से कहता है अब तुम कहाँ जाएगा। तो कहीं कहीं कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो यह तो फिर क्या यह जमा पड़ी है कि मैं को अनुभव तो करो तुम्हें मिठाई खिला पाऊंगा। तू कहीं नहीं जाएगा कह रहा है। तो क्या यहाँ पे जमा हुआ
निश्चय की, यानी कि बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगत खा रही थी कि ठाकुर के यहाँ मंत्री जी कहूंगा गया शराबे का पानी मन कहा बैठे बैठा ये यहाँ हत्या हो गई कहाँ से दी अब तो शराब न पीने की मुझे भी सौगत देनी पड़ी तो वह शराब लेता है इसने उस ठाकुर के यहाँ मंत्री नहीं करूंगा बल्कि तुम्हारे यहाँ करूंगा ऐसे इसके आप ये सौगत खा रहे हैं तो मुझे भी सौगत खानी पड़ेगी कि मैं भी शराब पीऊंगा शराब पीना छोड़ दूंगा यानी कि बैठे बैठे ही यह काम मुझे यानी कि शराब की हत्या करनी पड़ रही है बैठे बैठे ही मुझे ये कहाँ का आया है कि शराब को छोड़ने की सौगत खानी पड़ी अभी मुझे इस तरह से मतलब सोच रहा है वह साथ ले जाने वाले दोस्तों लोगों को बटोरने लगा वह एक घटना और सॉरी एक गटर का और दूसरा हत्तर का दो दो जुड़े शराब ने पूछा तू किसे उठाएगा वह क्या करता है शराबी जो साथ ले जाने वाली चीजें थे उसकी एक बदली मांगता है और शाम के घर की एक बदली मांगता है इस तरह से उसने क्या किया है दो बदली मांगी है एक जो है उसमें चीजें हैं इनके उसको जो कुछ है वस्तुएं चाहिए सारे वस्तुओं को उसको देते हुए जो चाहिए उस वस्तुओं को क्या करता है एक बदली में बांध देता है और दूसरी बदली में एक शाम होती है तो शाम की बदली एक करता है और शाम की कल की एक बदली करता है और दूसरे में जो चाहिए उन वस्तुओं को तो चीजों का एक बदली करता है दो बदली करता है इस तरह से दो बदली करके बालक समर्पण से कहता है तू कौन सा बदली उठाएगा जिसे कहो यानी कि जो कहोगे वो बदले में उठाने के लिए तैयार हो गए के मधुआ कह देता है अच्छा तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो इतना सब कुछ मैं मुझे कह रहे हो बालक से कहता है मधुआ से शराब इतना सब कुछ कह रहे हो अगर रास्ते में तुम्हारा बाप आकर मुझे पकड़ेगा तो मैं क्या करूँ इस तरह से वह पूछता है कोई नहीं पकड़ेगा तो चलो भी मेरे बाप पकड़ के वह बालक भगवान कहता है कोई तुम्हें नहीं पकड़ेगा क्योंकि मेरे बाप मरे कई दिन हो गए हैं मेरे बाप कभी के मर चुके हैं मेरे पिता जो है कहो मेरे बाप जो है वो कभी मर चुके हैं उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है शराब आश्चर्य से उसका मुख देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया बालक ने कटरी निकाली और दो दो कोठरी छोड़कर चल पड़े शराबी जो है बालक के इस बात को सुनते ही आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ क्या करता है उस सात की कल की कटरी को उठा लेता है और बालक ने भी क्या करता है एक कटरी को उठाता है यानी कि शराबी को अब मालूम हुआ इस बालक का कोई नहीं उसके पिता नहीं है उसके पिता मर चुके हैं इस बालक का कोई है नहीं तो वह आश्चर्य से देखता है और अपने बटे को यानी सांस की बटे को लेते हुए और बालक वस्तुओं की बटे को लेते हुए दोनों क्या करते हैं उस कोठे से बाहर चल पड़ते हैं यहाँ पे इस तरह से चलते हुए अपनी नई जीवन की शुरुआत बालक मधुआ और शराबी दोनों नई जिंदगी की शुरुआत करने चले जाते हैं इस तरह से शराबी के जीवन में होने वाले जो परिवर्तन है मधुआ से परिवर्तन जो है वह मधुआ नामक बालक से उसके जीवन में परिवर्तन होने देखने को मिलता है तो यहाँ पे इस पाठ यह जो पाठ है यह पाठ यहाँ पे